किसे हैं ये हमें समझना होगा, और उसके बाद कौन आतंकी है और कौन आतंकी नहीं है ये हमें डिसाइड करना होगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी घटना, ओ हाँ, कोई एक ऐसी मतलब रेडिकल सोच जो इंस्टीट्यूशनली तरीके से आई हो, जिसको इंस्टीट्यूशनली स्प्रेड किया जा रहा हो, वो आतंक की श्रेणी में आता है। अब आते हैं चेतन शर्मा पर। मेरी नज़र में चेतन शर्मा ने बहुत गलत किया और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि उसे कानून के दायरे में रखते हुए अगर फांसी की सजा भी हो तो उसे दी जाए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक्स मुस्लिम चैनल को सुनता हूँ और बाजार में जाके चौराहे पे जाके कोई टोपी वाला या दाढ़ी वाला या लुंगी वाला मुझे दिखता है तो मैं उसका कॉलर पकड़ के उस पे इस्लाम की बात पूछने लगता हूँ। मेरी नज़र में ये सिवाय पागलपना के और कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप एक्स मुस्लिम को सुने, आप जो है सुने, और अगर आपको कोई दावत दे इस्लाम पर, या फिर आपके सामने बिना आपसे पूछे हुए कोई इस्लाम के बारे में बड़ाई करने लगे, उसको ग्लोरीफाई करने लगे, या फिर आपके धर्म को नीचा दिखाने लगे, तो फिर आप उससे बात करें। तो ऐसा मेरी नजर से उसने जो भी किया कि ये मुझे भी बोल उसने दिया है जी कैम भाई, ये मैं कमेंट दिखा रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। मुझे भी बोल दिया है, आमिर हक इज ऑल्सो सिंपथाइजर ऑफ टेररिस्ट। ठीक है जी, कैरी ऑन जी, आप कर लें फिर मैं बात करता हूँ। जी, तो उसने जो किया वो गलत किया, उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और उस दशा में आप देखे होंगे कि हिंदुओं का, मैं एज ए सनातनी, मैं जय हिंदू, उसे सपोर्ट नहीं करता, चाहे उसके घर में कमाने वाला वो एक अकेला हो, उसके सर पे 10 लोगों का बोझ हो, मैं उसे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पहले उसकी जिम्मेदारी थी ये सोचने की, भावनाओं में बहने से पहले, कि मेरे ऊपर 10 लोग और हैं, इन 3 लोगों को मारूंगा तो हो सकता है कि इन 3ों के ऊपर भी 10 10 लोगों की जिम्मेदारी हो। जी आमिर भाई, अब बोलिए। जी मेरा भाई, टेररिज्म की जो डेफिनेशन आपने की है कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया जाए, ठीक है, टेररिज्म को ना, आरएसएस का एक बंदा पकड़ा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा एफिडेविट जमा करवाता है, जिसमें वो बोलता है कि आरएसएस के कैंप्स में हमें बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई, जिस बॉम्ब के बनाते 3 या 4 जगहों पर बॉम्ब फूट गया, जिससे कई आरएसएस के खुद के पिल्ले मारे गए। ठीक है, आरएसएस के कैंप्स के अंदर बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी गई। हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से ये खबरें पहुंच रही हैं जिनको मैं दिखा सकता हूँ। चलें एक आपको दिखा भी देता हूँ लाइव, थोड़ी सी ऑडियो सुना देता हूँ, ये सुनिएगा लाइव। चाइना जैसा रूल अपनाना ना चाहिए हिंदुस्तान ने, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा ऐसे। और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है, और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जी आने वाला समय सही हो जाएगा। जी, दूसरी बात यह है कि बजरंग दल की वीडियोस जो कैमरे के अंदर शूट की गई साफ तौर पर सामने आ रही हैं, जिसमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मोहल्लों में जाकर तकरीरें की जा रही हैं, मुसलमानों को काटो, मुल्लों को काटो, इनको यहां से भगाओ, इनको देश से निकालो, कैंपेनिंग, इंस्टीट्यूशनलाइज कैंपेनिंग की जा रही है पब्लिक के अंदर।
और बीजेपी के बड़े बड़े नेता अधिकारी ये मीटिंग्स के अंदर तकरीरें कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर तकरीरें कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता कि और टेररिज्म क्या है कि जिसमें आप फियर के जरिए, फोबिया के जरिए पावर गेन करें पूरी प्लानिंग करके। चेतन सिंह ने पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या हुआ जी, मुसलमान को क्या कहा गया, अब ये रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर हो गया, और इंस्टीट्यूशनलाइज क्या करना है। चेतन सिंह ने जब लोगों को गोली मारी, गोली मारने के बाद उसने कैमरे ऑन करवाए और कहा इसको रिकॉर्ड करो, लाइव चलाओ मेरी बात को। क्या बोलता है चेतन सिंह, बोलता है गोलियां मारने के बाद कि इस देश में सिर्फ मोदी और योगी, इंडिया पर चलना है तो सिर्फ मोदी और योगी इनको वोट देंगे, इनके अलावा किसी को नहीं हम देंगे। ठीक है, तो जी के एम भाई, अगर आपकी डेफिनेशन को भी लिया जाए तब भी इस वक्त हिंदू ब्रेन वॉश होकर टेररिज्म की एक्टिविटीज के अंदर पाया जा रहा है। आज की वीडियो है ये प्रॉपर पूरा गैंग बना है, और गैंग बन के मुस्लिम सोसाइटीज को टारगेट किया गया है जहां पर वो झंडियां, लाइटें, दिए लगाकर तैयारी कर रहे थे, वहां पर अटैक करके महिलाओं को थप्पड़ों से मारा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, मुक्के मारे गए हैं, बच्चों को मारा गया है। तो ऐसी सूरत में मुझे नहीं समझ आता जी कैम भाई के टेररिज्म, आप शायद इस चीज को समझ रहे हैं कि जब तक आप निकल कर रोड पर किसी मुसलमान का कॉलर पकड़ कर नहीं उसे बोलेंगे कि जय श्री राम का नारा मार, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा, भीख मांगने वालों को ये नहीं कहेंगे जब तक कि भीख तब दूंगा जब तू जय एस आर आर का नारा मारेगा, गन पॉइंट के ऊपर लोगों से जे एस आर के नारे नहीं लगवाए जाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से आप समझते हैं कि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उसको टेररिज्म नहीं मानेंगे। ठीक हो गया मेरा भाई, तो ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल को अगर आप अभी भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे भाई फिर उसके बाद तो देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, एक जो बंदा सोने की एक्टिंग कर रहा हो और एक जो बंदा मर गया हो, इन दोनों का कोई इलाज नहीं होता। जो बंदा सोने की एक्टिंग कर रहा हो और जो बंदा मर गया हो, इनका कोई इलाज नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं, ठीक है, जिसको आप देखिएगा, ये देखिए जरा, इसको सुने। ऑस्ट्रेलिया की गलियों में जय पिया पाम के नारे लगाए जा रहे हैं, भगवा लहराएगा, राम राम चिल्लाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब ये आपने सुनना है सिर्फ, ये मैं बोलूं ये वीडियो मैं चला नहीं सकता हूं क्योंकि यहां पर कम्युनिटी का इशू आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद बहुत सी चीजें, एक मिनट देखिएगा, ये आपने जरा सुनना है, ठीक है, ये जरा सुनना, बहुत सी चीजें आमिर भाई, एक ये जरा सुनिएगा, ये जरा सुन लीजिएगा जी, आमिर ये भाई जरा सुनिएगा, ये जरा सुन लें, मैं ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज सुनने आपको के चीजें बाद समझाना चाह रहा हूँ ये सुनने के जरा। बाद मैं बोलूं,
जी जी हाँ जी जी आप बोलेगा बोलिएगा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब, क्यों ले रहे हैं मोदी साहब, सिरे भी ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के व्यक्ति। ओए बड़े, ओए ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं इट इज पुलिस। ए उग्रवादी बोले भी तो आता नहीं कराओ, मत ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी रखने सर, ये जो सिरे अगर जाता है अभी मैं बताना चाहता हूँ। अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी अधीर रंजन जी जब पॉलिटिक्स की बात चल रही थी, उस पॉलिटिक्स की बात में एक नेता दूसरे नेता के साथ बात कर रहा था। वहां पर धर्म को लाया गया, उग्रवादी, कटवा, आतंकवादी, देशद्रोही, मुल्ला, ये सारे शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर किया गया है। जिस जगह सभाओं के अंदर, लोकसभाओं में, ठीक है जी, और अपर हाउसेस में इस किस्म के लोग बैठे और ये बात करें। मैंने बोला है कि इस वीडियो के बाद मैं कुछ बोलूंगा तो फिर जी अब आप बोल सकते हैं। मैं आपको सुनना चाहता हूँ जी, बोल सकते हैं जी। पहली बात कि चेतन शर्मा पर आपने जवाब मांगा और उसके बाद कहा कि हम टॉपिक पर आएंगे, तो मैंने तो जवाब दिया चेतन शर्मा पर, क्या आप संतुष्ट हैं, आपकी ऑडियंस संतुष्ट है? चेतन सिंह जो है उस पर जो आपने टिप्पणी की और आपने उसका विरोध किया, मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद कहता हूं उसके ऊपर। मगर मुझे जिस खास विषय के ऊपर आपत्ति हुई वो आपकी आतंकवाद की जो आपने डेफिनेशन की है, मुझे उससे आपत्ति थी, उस पर मैंने बात की है। आपने टेररिज्म की जो डेफिनेशन की, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो टेररिज्म होता है, आप सिर्फ उसको टेररिज्म मानते हैं, उस पर मैंने उदाहरण दिए हैं, कोई पांच पांच उदाहरण दिए हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये खबरें आप तक नहीं पहुंची, आपको नहीं पता, क्योंकि जब चेतन सिंह की बात की गई थी तब भी मैंने आपसे पांच बार पूछा था, आपको पता है कि बुरके वाली औरत को उसने क्या कहा? आपने कहा मुझे नहीं पता। आपको पता है, आपने कहा मुझे नहीं पता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पांच उदाहरण मैंने आपको आरएसएस के, वीएचपी के, बजरंग दल के, पार्लियामेंट के, ऑस्ट्रेलिया के, चेतन सिंह की अंदर की बातों के जो मैंने आपको दिए हैं, क्या आपको ये नहीं पता? इस पर जरूर बात कीजिएगा। ओवर टू यू जी। तो क्योंकि फिर अगर मैं कोई बात कहूंगा तो बातें बढ़ेंगी और जो टॉपिक है वो या तो मैं साइड में रख दूं और मैं इन सब जो पॉलिटिकल चीजें हैं इन सब पर बात करूं, या फिर ऐसा कुछ हम लोग तय कर लें कि आज का टॉपिक आप लीव कर रहे हैं, आज का टॉपिक आप छोड़ रहे हैं मुझसे बात करना। मैं आपको ऐसा करते हैं कि आपका पॉइंट आ चुका है, मेरे ख्याल से हम टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आप टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो हम टॉपिक पे कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है जी जी। नहीं, अब आप आपका चैनल है, मैं बात इस पर भी कर सकता हूँ, मैं बात मुझे पता है, मुझे पता जो आपके ऑब्जेक्शन है मैं उस पर भी कर सकता हूँ बात। और दूसरी बात जो आपने कहा कि चेतन सिंह के बारे में मैंने कहा कि नहीं पता, तो वाकई ये बात आजकल की नहीं है, ये मुझे लगता है कि दो चार छह महीने के अंदर की बात है। तो न्यूज आती है, आदमी देखता है, फिर जो है उस पर थोड़ा फॉलो करता है, उसके बाद आदमी आगे बढ़ जाता है, तो फिर वो चीजें ध्यान में आती है, तो हाँ आदमी उस पर बात करता है। अब इतना डिटेल में जाकर कि अब वो उसने तीनों को मारा, फिर कहाँ गया, वीडियो ऑन करवाया, अगर इन सब डिटेल में जाएंगे तो फिर एक अलग स्ट्रीम ही बनेगी, क्योंकि उन तीन लोगों से इसकी क्या बात हो जी। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, हम आसान कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हम टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास
पीछे बैकस्टेज पे कॉलर्स भी कुछ आए हैं, उनको भी लेना है, तो आपसे भी बात हो जाए। ठीक है, टॉपिक को ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ठीक है, सनातन धर्म को विषय को लेके ना। ठीक है जी, कैम भाई आप किस फिलोसफी को फॉलो करते हैं? आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आज आपने टॉपिक रखा है, उस टॉपिक के लिहाज से तो सवाल पहले मेरा बनता है कि आप हिंदुइज्म में आने के लिए क्यों कन्विंस होना चाहते हैं? या तो हिंदुइज्म में आपको कुछ अच्छा दिखा, या फिर इस्लाम पे आपको डाउट आया, आप इसलिए कन्विंस होना चाहते हैं? रीजन क्या है आपका एक बकायदा स्ट्रीम रखने का कि कन्विंस में टू बी हिंदू? देखें, दो चीजें हैं जिस वजह से ये टॉपिक रख रहा हूं, दो वजह। एक है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को ये प्रेशर दिया जा रहा है कि या तो आप सनातन बनो, और अगर सनातन नहीं बनना तो मुसलमान भी नहीं रह सकते, या फिर आप तीसरी ऑप्शन या देश छोड़ जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे, ये चीज बोली जा रही है। तो ऐसी सूरत में मैंने सोचा कि क्यों ना हम सनातन धर्म को समझने का प्रयास कर लें। अगर वो कह रहे हैं कि सनातनी बन जाओ तब तुम इस देश में रह सकते हो, हिंदुस्तान सनातन का है, इसके अलावा किसी का नहीं है, ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। जिसने बहुत ज्यादा इस्लाम को समझना है, फॉलो करना है, वो पाकिस्तान चला जाए, इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। तो मैंने सोचा चलो सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज यह है कि घर वापसी एक बड़े एजेंडे के तौर पर सामने आई, जिसमें खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम फैमिलीज को। उस मुस्लिम फैमिलीज में भगवा लव ट्रैप के द्वारा इकट्ठा करके लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, और लड़कियों को ट्रैप करने के बाद हिंदू बनाया जाता है, प्रेग्नेंट किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती है, कई लड़कियों को मारकर उनका रेप करके फेंक दिया गया। तो ये दो वजह हैं जिन वजहों से मैंने सोचा कि क्यों ना सनातन धर्म को समझा जाए, पढ़ा जाए, परखा जाए, और फिर फैसला किया जाए। सिंपल, ये है सारी गेम। ठीक है मेरा भाई, इस वजह से रखा है। अब आप बताएंगे सनातन धर्म क्यों अच्छा है? हाँ, आपने अभी कहा कि एक जो है ये मतलब लोग ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप सनातनी बने या फिर देश छोड़ के चले जाएं, तो ये तो बिल्कुल फेक न्यूज है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जितना न्यूज फॉलो करता हूँ, हाँ अगर कहीं किसी व्हाट्सएप न्यूज के थ्रू आपके पास ये जानकारी आई है, दो चार गली मोहल्ले के लोगों ने बोला है, तो फिर एक बात और सुन लीजिए। अभी आपने जो संगठन का नाम लिया आरएसएस, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हैं इस समय, और उनका एक भाषण आया जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि आपको अपने धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। अच्छा, आरएसएस, आरएसएस का आदमी। तो अब इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और दूसरा, दूसरी बात क्या थी कि हिंदू लड़कियों को भगवा लव आपने नाम दिया है, लव जिहाद के उसमें अपोजिट में, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि तो फिर उस पर हम अगर हम बातें करने लगे तो हमारे पास भी तथ्य है। आप कह रहे हैं कि लड़कियों को रेप किया जाता है उनको। ओ यार, टॉपिक पे कोई बात, मैं दब से धीमे लहजे में सुलिके से बात कर रहा हूँ, पता नहीं क्या मुझे घुमा रहे हो, किधर की बातें किधर कर रहे हो। अच्छा, आपको ये लगता है? उत्तेजित इसलिए हो रहा हूँ, उत्तेजित इसलिए हो रहा हूँ कि ये सारी बातें हमने सुनी हैं। अब तुम उस मुझे इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम्हारा मेरे ख्याल से तुम कहाँ रहते हो इंडिया में? नहीं देखिए, अब आप तुम तनाव पे आ गए। ये जो तुम तनाव पे इसलिए आ गया हूँ कि एक बंदा हाथी के कान में सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है देश में चल क्या रहा है। वो कह रहा सब अच्छा है, ऑल इज वेल,
फुद्दू है क्या? नहीं नहीं ओ यार जा यार की यही यही देश तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। ह्यूमन राइट्स की वॉच कह रही है जेनोसाइड होने के करीब है। 9 पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हुए हैं। गोरे को नजर आ रहा है इस खाती के कान में सोए होकर, फुद्दू ना लाओ सानू, फुद्दू ना लाओ। तुम तो कहते हो आंखें बंद करके सोए रहे। क्या तमाशा है, क्या तमाशा है तेरा जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। कहता है कि तू तड़ा पे आ गया, तू मेनू फुद्दू लाई जा रहे हैं थे, तू मेनू चूना लाई जा रहे हैं थे, तू मुझे टोपी पहना रहा है, गोली करा रहा है। तब से चेतन सिंह के मुद्दे पे बात की मैं धीरज बड़े सलीके के साथ चल रहा हूं कि आज का मुद्दा तू मुझे जलेबी बना बना के टोपी बना रहा है, मुझे गोली करा रहा है। तब से मैं सुन रहा हूं। वो कहता है ही कुछ नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। कहता है ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, निकल जा निकल जा, भज जा इतो मेरा। तमाशा लाए है। तब से सुकून के साथ हूं यार, मैं बड़े प्यार से इसके साथ बात कर रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं। हां जी, उसने नहीं मुझे गोली करा दिया। वो कहता हो ही कुछ नहीं, ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। घर वापसी कहता जी 4-5 लोगों ने अगर गली मोहल्ले के अंदर कह दिया। वाह 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 वाह। और जितना जवान है सारा गली के अंदर निकलकर हर मोहल्ले के अंदर कहता है इकटवे काटे जाएंगे, सब राम राम चिल्लाएंगे। ये 5-6 बंदों ने कही बात है, 5-6 बंदों की बात है। तेरा दिमाग ठीक है, हैं? एक बंदा लाइव बैठकर ये बात कर रहा है, लाइव, ठीक है। सुंदरा, चाइना जैसा रूल अपना लेना चाहिए हिंदुस्तान ने, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा, और वो जल्दी समय आएगा मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। तो जी कैम, आज तुमसे बात नहीं होनी, ठीक है, कि तुम टीटो पार्टियां यहाँ शुरू कर रहे हो, तुम मुझे नए सिरे से कायदा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है जी। फलाना है, आपने क्यों रख लिया है, वो भी हो रहा है, और मैंने एक टॉपिक रखा है, उस टॉपिक पे बात करनी है, करो। तुम मुझे ही सलाहें देने आ गए हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, डेढ़ क्षणा नहीं। जी कैम, नेक्स्ट टाइम आना मेरा भाई, ठीक है। अभी तुम्हें बहुत टाइम मैंने दे दिया इधर उधर के लिए, भाग जाए यहां से। तो ये चक्कर है, ठीक है ना। तो ये चीज है यार, जरा इस चीज को भी देखो, ऐसे ना हमारे साथ शाणापंती तो ना करो, हैं? ये कौन आया है? हाँ भाई, सनातनी हो? देख तू पाकिस्तानी है, तू तो बैंचो बेटे बैंचोदो की औलाद है, तेरे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू साले चूतिया बन, ठीक है। बाकी इंडियन मुसलमानों को ये चूतिया कह के बना रहा है, बोलता रहे ना, रुका क्यों है? अबे हिजड़ा देखा है कभी बैंचो? हिजड़ा इससे ज्यादा हिम्मत करता है, निकलता क्यों नहीं अपने चैनल से? भाई अगर इस्लाम इतना सच्चा पक्का है, बैंचो उसके पॉइंट्स इतने अच्छे हैं, तो भाई अपने चैनल से एक बार तो बाहर निकल के दिखा। क्या हुआ, खत्म? मुझे तो मनोरंजन शुरू हुआ था, अभी तू निकल गया। दोबारा आ जा, दोबारा जगह बना रहा हूँ। मुसलमान स्टेज छोड़े यार, मुसलमान स्टेज छोड़े, जगह बना रहा हूँ, जल्दी आ, जल्दी 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 वापस आ, वापस आ, ऑडियो दोबारा प्ले कर। यार मैंने तो सोचा था रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, बहुत जल्दी खत्म हो गई। अच्छा एक और आया, मुझे लग रहा है इसके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, आई गेस सो। हाँ भाई, सनातरी भाई है जी, जय श्री राम। हाँ जे पी अपाम, कैसे है मेरा भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया मेरे भाई। सनातनी आप? कट्टर। कट्टर जी, कट्टर सनातनी।
क्या मतलब मारकाट वाले या कट्टर सनातनी, मतलब थोड़ा डिफाइन करते हैं। जरूरत आए तो मारकाट पे भी उतरेंगे फिर। ठीक है, और ये जरूरत कब आती है, यानी आप क्या समझेंगे कब जरूरत आएगी? जैसे मुसलमानों ने हिंदू पंडितों के साथ कश्मीर में जैसे किया था। ठीक है जी। तो यानी अगर नॉर्थ साइड पर मुसलमान ये करेंगे तो फिर आप काटना शुरू करेंगे? पहले आप ये बात बताओ ना। नहीं, मैं दिखा रहे थे, आपने एक बात रखी है तो मैं उस बात को लेकर चलना चाह रहा हूँ। मैं तो आपको समझना चाह रहा हूँ। आप अभी वीडियो दिखा रहे थे ना। मैं ये कह रहा हूँ कब शुरू होगी मारकाट कब शुरू होगी, मारकाट कब शुरू होगी, इस बारे में बता दे। क्योंकि आपने बोला कट्टर, तो मैं आपके साथ मिलकर चल रहा हूँ ना। जो आप कह रहे हैं मैं तो उसको देख के चल रहा हूँ। जब तुम्हारे लोग जिहाद चलाएंगे, गजवा हिंद का नारा देंगे, कश्मीर में जैसे हिंदुओं को मारा काटा गया वैसी हरकतें करेंगे तो होगी। अच्छा ठीक है, और अगर मुसलमान नहीं कर रहे होंगे वो हरकतें, तो आप लोग उनको तंग करके वो हरकतें करवाओगे? कश्मीर में क्या किया हिंदू पंडितों के साथ किसने किया? यार मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ जो आप कह रहे हो। मैं तो गोधरा का कांड किसने किया? ओ यार मुझे न्यूज नहीं चाहिए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बोगी किसने? ओ खोती के बच्चे, मेरे साथ चलना है। अगर ट्रेन में किसी मौलवी ने तेरी बहन के साथ नियोग कर दिया है तो तू मेरे शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ रहा है? तेरी दीदी की योनि किसी ने शिवलिंग घुसेड़ के फाड़ दी है तो उसका गुस्सा वादे हक पे निकालेगा क्या? या क्या बंदरों की फौज छोड़ दी है जी वादे हक के ऊपर? मेरे साथ चलना है, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहा? उसके साथ चलना आज के लिए तेरा हो गया, उसके साथ चलना जो मैं पूछ रहा हूं। अपनी लीला शुरू कर दी है तो जो लीला मैं यहां कर रहा हूं उस लीला का क्या करना है? उससे गीली हो गई पतलून, उस लीली से हो गई गीली? जे पिया पाम के बच्चे, कट्टर हिंदू बेटा, पिछवाड़े के अंदर तेरी कट्टरता घुसा दूंगा। जो पूछा है उसका उत्तर देता है, इज्जत के साथ सम्मान के साथ बात आगे चलती। जो आ रहा है डेढ़ क्षणा, जो आ रहा है डेढ़ क्षणा, जो आ रहा है डेढ़ क्षणा। पता भी है कि डेढ़ क्षणी क्षण पत्ती वादे हक पर नहीं चलती, फिर मेरे आके शिवलिंग के ऊपर सवार होकर कहते हैं ओ माय शिवलिंग आई लव यू। कह भी रहा हूं इज्जत के साथ बात करना चाह रहा हूं, सनातन धर्म को समझना सीखना चाह रहा हूं, फिर आकर मेरे शिवलिंग के ऊपर पींगे डालना शुरू कर देते हैं। सुन बैठ के अब तसल्ली से, चल भाग जा यहां से। मैं पूछ रहा हूं कट्टर है, तूने कहा मैं कट्टर हूं, मैंने कहा कैसे है, काट पीटने वाला है, तूने कहा काट पीट देंगे। अब मेरे साथ चलना उसमें, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, अपनी बात कर। तू क्या है, अपनी बात कर यार। ये सनातन धर्म सिखाने की बजाय मारकाट की बात करना शुरू हो गए हैं, मैं इधर क्या करूं? मैं तो सनातन धर्म सीखना चाह रहा था। ये अब ये है घर वापसी एजेंडा। असल में आपको बताऊं, ये जो कहते हैं ना जी सनातन बन जाए, सनातन बन जाए, घर वापसी एजेंडा ये है, कत्लो गारत, मारना पीटना, ये है घर वापसी का एजेंडा। ठीक है, तो ये चीजें आगे बढ़ते हैं यार। ये एक भाई को, हेलो जी भाई, कैसे हैं भाई? ठीक है, बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं भाई आप सुना देर से मैं मैसेज कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ भाई, मैं देख नहीं पाया, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ। अच्छा आपने कहा कि मैंने इसीलिए आपको ऐड किया कि आपने बोला था अबे बाप को ऐड कर, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आप यानी इसको कट्टर हिंदू को कह रहे थे कि आप उसके बाप हैं, उसको कह रहे थे? अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपकी अभी डिबेट सुन रहा था ना। नहीं तो ये किसको, ये जो बोल रहे थे कि अबे बाप को ऐड कर, तो आप वो मुझे कह रहे थे? हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं तुम्हीं से कह रहा था। अच्छा, तो मैं तो सनातन धर्म को समझने की बात कर रहा हूँ, मेरे पर इतना क्रोध और गुस्सा क्यों भाई?
मैं तो गलत बात नहीं की है, मैं तो प्यार से सनातन धर्म को सत्य से समझना चाह रहा हूँ भाई। अच्छा ये बताइए, आप पाकिस्तान से हैं क्या?